रॉबर्ट ने उस रोज दोनों बहन भाइयों के साथ खूब सैर की। वो हवेली की फसीलों की तरफ भी गए। जुनूब मशरक की जानिब वाली एक फसील की दीवार के करीब रॉबर्ट ने एक बुर्जी में दाखिल होने की कोशिश की तो वहां मौजूद एक तलवारबदस्त चौकीदार ने इसे रोक लिया, मगर जब इसके हमरा राजकुमार राजकुमारी को देखा तो फौरन पीछे हट गया। मैं यहां से तराई का मंजर देखना चाहता हूं, रॉबर्ट ने ऐश से कहा। ऐश ने फौरन असबात में अपना सर हिला दिया, मगर इसकी बहन सोंजना मुतजब्जिब थी और इसी लहजे में भाई से बोली, भैया इस बुर्जी में दाखिल होने से माता जी ने मना कर रखा है। मैं तो इस बुर्जी में जरूर अपने दोस्त को लेकर जाऊंगा, बल्कि नीचे भी उतरूंगा। तुम नहीं जाना चाहती तो ना जाओ, ऐश अटल लहजे में बहन से बोला। वो खासा जिद्दी था। शातिर रॉबर्ट सोजना की तवज्जो हासिल करने के लिए फौरन ही इसकी हमायत में बोलने का कोई मौका नहीं गंवाता था। ऐश से बोला, कोई बात नहीं, अगर मादाम ने मना कर रखा है तो नहीं जाते ऐश, कोई जरूरी नहीं। मगर सोजना अपनी पूजा की जगह दिखाना कौन सा गुनाह है, ऐश बहन से बोला। मुझे यकीन है कि हमारा अंग्रेज मेहमान दोस्त काली का मंजर देखकर बहुत खुश होगा। हरज तो कोई नहीं है, सोजना मान पड़ते हुए बोली। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं भी चलती हूँ। ये लोग बुर्जी में दाखिल हुए और इसके दूसरे दरवाजे से बाहर आ गए। यहाँ पुख्ता ईंटों का एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था और एक घोड़े से मुंसली बग्घी खड़ी थी। इसमें एक जवान और सेहतमंद कोचवान भी था, वो इसमें सवार हो गए। विक्टोरिया तर्ज की यह बग्घी रॉबर्ट को बहुत अच्छी लगी, वो ऐसी बग्घियां लंदन में भी देख चुका था। बग्घी आरामदेह थी। कोचवान इनके सवार होते ही बग्घी आगे बढ़ा चुका था। ऐश कुमार ने इसे बताया था कि वो लोग यानी इसके माता पिता वगैरह पूजा के लिए इसी बग्घी में काली के मंदिर तक जाते हैं। नीचे नशेब भी रास्ता था जो कंक्रीट का बना हुआ था। सामने नशेब में घना जंगल था। बग्घी का ये सफर बमुश्किल 10 मिनट तक मुहित होगा और फिर वो जंगल में दाखिल हो गए। जंगल काफी घना था, दिन में भी यहाँ रात को गुमान होता था। जंगल के बीच बल खाता रास्ता दूर तक जाता नजर आ रहा था। बग्घी इस पर मुनासिब रफ्तार से दौड़ने लगी। दो मुसल्ला पहरेदार बग्घी के वैगन कार्ट के आखिरी सिरे पर बने हुए दो चौबी तख्तों पर टिके बैठे थे। जंगल में गहरी खामोशी तारी थी। जंगल में दाखिल होते ही बग्घी की रफ्तार आहिस्ता हो गई। रॉबर्ट खिड़की के करीब वाली नशीस पर बैठा था और इसके सामने वाली नशीस पर वो दोनों बहन भाई बैठे थे। रॉबर्ट बाहर का नजारा करने में मसरूफ था। इसे ये सिया जंगल बहुत पुरिसरार महसूस हो रहा था। जंगल में चंद सौ कोस का रास्ता इन्हें मजीद तय करना पड़ा। इसके बाद बग्घी दाएं जानी मुड़ी और फिर थोड़ा आगे जाकर रुक गई। कोचवान ने ऊपर से लकड़ी की बल्ली बजाकर धीरे से ठक ठक की आवाज बरामद की, जिसका मतलब था कि अब ये लोग बग्घी से बाहर उतर आए। चुनांचे ये तीनों नीचे उतर आए। रॉबर्ट की निगाह सामने पड़ी, इसे वहां महागनी के मोटे चौड़े और जुड़वा तनों वाले घने दरख्त दिखाई दिए। इसके दामन में ही इसे एक अजीब और मुख्तसर सी मुखरूती इमारत नजर आई। इसकी छत पर तिकोनी गुंबद बना हुआ था जिस पर तुलसी के झंडे झुके हुए नजर आ रहे थे। इमारत का रंग मटियाला था। वो इसकी मखसूस वजाकता से समझ गया कि यही काली का मंदिर था। मंदिर के इर्द गिर्द तुलसी की झाड़ियां उगी हुई थी। मुख्तसर कदमचों की सीढ़ी इसके ऊपर जहां मंदिर का दरवाजा था, इसके दाएं बाएं अजीब गरीब सिंगों वाले जानवरों के चिंघाड़ते हुए संगी मुजस्मे भी नस्ब थे। वहां दो तीन नीम उरिया अफराद भी दिखाई दिए थे जिन्होंने गेरवे रंग की धोतियां पहन रखी थी। एक के हाथ में पीतल का कोई चमकता हुआ बर्तन था, दूसरे ने कोई शमासी उठा रखी थी। वो सब मंदिर की ईटों वाली सीढ़ियों के करीब ही खड़े थे और शायद अंदर जा रहे थे कि इनकी बग्घी पर नजर पड़ते ही रुक गए। आओ दोस्त अंदर चले, ऐश ने रॉबर्ट से कहा। ठीक इसी वक्त जब ये लोग मंदिर की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, एक जानिब की कदे आदम झाड़ियों से दो अफराद मजीद बरामद हुए। इनके हुलिये भी पहले नजर आने वाले तीनों अफराद से मुख्तलिफ ना थे। रॉबर्ट ने इनकी तरफ देखा मगर इनके हाथों खाली थे, लेकिन पुष्ट पर जर रंग के थैले झूल रहे थे। ये बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे जोगियों की पुष्ट पर लदे होते हैं और इनमें सांपों की पिटारी और दीगर न जाने क्या अलाबला भरा होता है। इन्हें देखकर वो दोनों थोड़ा सा घबरा गए थे। तभी इन तीनों पुजारियों में से एक ने इन्हें मखसूस इशारा किया और वो तेज तेज कदमों से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते अंदर चले गए। ऐश और सोजना ने भी पटारियों वाले थैले उठाए। इन दोनों पुजारियों को देखा था जो जंगल से अचानक नमूदार हुए थे। इसके बाद वो तीनों पुजारी नुमा अफराद ऐश कुमार सोजना और रॉबर्ट की तरफ बढ़े। इन्हें मुद्दीबाना अंदाज में ताजीम पेश की और बिलखसूस रॉबर्ट की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए कहा, छोटे राजकुमार और कुमारी जी, क्या ये आपके मेहमान हैं? जी हाँ, ये हमारे मेहमान हैं मिस्टर रॉबर्ट। हम इन्हें काली माता का ये मंदिर दिखाने लाए हैं।
राजकुमार ऐश ने पुजारी से कहा तो इसकी घनी भवें आपस में मिल गईं और वो बोला, क्या इन्हें पहले से इस मंदिर के बारे में जानकारी थी? कैसे बातें कर रहे हो तुम पुजारी परशुराम, ये तो पहली बार यहाँ आए हैं। ऐश ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने ऊपर फसील की दीवार से यहाँ तक आने का रास्ता देखा तो तजस्सुस में पड़ गए और बोले के मैं यहाँ की सैर करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे मंदिर के मुतल्लिक बताया, उन्होंने यहाँ आने की इच्छा कर दी। अच्छा अच्छा, अंदर तशरीफ ले आए। पुजारी परशुराम जल्दी से बोला और इन्हें रास्ता दिया। तीनों आगे बढ़े और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे जो खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हो गए। सामने हॉल सा था, छत ज्यादा बुलंद ना थी जो ऊपर जाकर मेहराब सी बनाती महसूस हो रही थी। सामने ही रॉबर्ट को छोटे छोटे चबूतरों पर कुछ अजीब सी पत्थर की मूर्तियां बनी नजर आई। रॉबर्ट को इनसे कोई दिलचस्पी ना थी, वो तो महज सोनिया से करीब होने की खातिर यहाँ तक आया था, कोई ऐसा मौका ताकने के वो अकेली हो और इससे तन्हाई में कुछ बातें कर सके। ताहम वो दिखावे के लिए मुस्नूई दिलचस्पी जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ सन्नाटा क्यों है? क्या और लोगों का दाखला ममनू है? रॉबर्ट ने सोनिया की तरफ देखकर पूछा। वो इसकी बात पर मुस्कुराई और जवाब में बोली, ऐसी बात नहीं है, यहाँ और भी लोग आते हैं पूजा पाठ करने। यू नो पूजा पाठ, इट्स ए प्रेयर ऑफ गॉड, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। रॉबर्ट को हिंदू मत के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात थी, लिहाजा इसने खफीफ सी मुस्कुराहट अपने साथ सर को तफहीमी जुम्बश दी। यहाँ वैसे पिक्षण पूर्णिमा के त्योहार में लोगों का ज्यादा रश देखने में आता है, इस बार ऐश ने रॉबर्ट को बताया। आओ अब यहाँ की असल चीज तुम्हें दिखाते हैं, मगर इसे देखकर डरना मत। ये जो बुत तुम देख रहे हो, इसमें दरहकीकत हमारे हिंदू मत की धार्मिक तारीख का परतो है। आओ, कहते हुए ऐश रॉबर्ट को लिए इन मूर्तियों के दरमियान में बने रास्ते की तरफ बढ़ा तो साथ चलते हुए पुजारी परशुराम, जो पहले ही कुछ मुतफक्कीर और तजब्जुब में मुब्तला दिखाई दे रहा था, एकदम परेशान हो गया और जरा झिझकते हुए ऐश कुमार से बोला, छोटे राजकुमार जी, जहाँ आप जाना चाह रहे हैं वहाँ महापुजारी बद्रीनाथ इस वक्त काली माता की पूजा पाठ में मसरूफ है। कोई बात नहीं परशुराम, हम इन्हें डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, ऐश ने संजीदगी से कहा। तो परशुराम को राजकुमार के आगे मजीद कुछ कहने की जरूरत ना हो सकी। रॉबर्ट को अब इस माहौल से घबराहट होने लगी थी, वो बदस्तूर आगे बढ़ते रहे। सामने एक और दरवाजा आ गया, वो इसके करीब पहुंचकर रुक गए। ऐश ने परशुराम की तरफ देखा, वो इसकी आंखों से मुतरशे तहकुम को भाग कर फौरन आगे बढ़ा और दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी तो वो खुल गया। रॉबर्ट ने देखा दरवाजा एक जवान और दिलकश बदन की औरत ने खोला था। रंगत तो इसकी सांवली थी, मगर चेहरे के नकूश बहुत कशिश अंगेज थे। वो इन्हें देखकर थोड़ा चौंकी और उलझी हुई निगाहों से पुजारी परशुराम की तरफ देखने लगी। शायद इसने मखसूस अंदाज की दस्तक पर यही समझा होगा कि आने वाला सिर्फ पुजारी परशुराम होगा। ताहम दूसरे ही लम्हे वो एकदम एहतराम से अपना सर झुकाकर एक तरफ हो गई। अंदर से गूंजदार और भारी लहजे में किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई सख्त बरहम हो। उन्होंने अंदर कदम रख दिया। ये भी एक बड़ा सा हॉल कमरा था, इसकी छत भी मखरूती अंदाज में ऊपर तक चली गई थी। सामने का मंजर कम अज कम रॉबर्ट के लिए जरूर ही अजीब था, वो यक तक देखता रह गया। वो एक मूर्ति को देखकर मबहूत सा रह गया था, जो संगे सिया के एक छोटे से चबूतरे पर बनी हुई थी और बहुत डरावनी नजर आ रही थी। ये मूर्ति तकरीबन 8 फीट ऊंची और औरत की थी। इसका चेहरा नहायत मकरू और सयाह था, आंखें वहशत अंगेज अंदाज में फटी हुई थी और सुर्ख चमकते हुए पत्थरों के ढेले इसमें गाड़े गए थे। नाक मोटी थी, मुंह छोटा और खुला हुआ, नहायत ही बदहयत मंजर पेश करता था। इसके काले होंठों से बाहर तक लगभगती जुबान सुर्ख रंग की थी। इसके 6 हाथ दिखाए गए थे, हर हाथ में कोई ना कोई हथियार था, जिनमें त्रिशूल, गुर्ज, सनान, चाकू और खंजर मौजूद थे, जबकि तीसरे हाथ में जो दाया था, इसमें एक नौमर लड़की का कटा हुआ सर था, जिसकी आंखें बंद थी, माथे पर बिंदिया थी और मांग में सिंदूर भरा था। वहां एक और शख्स को भी इसने देखा, ये मंदिर का पुजारी बद्रीनाथ था, जो किसी भैंसे की तरह पला हुआ था, रंगत सियाह थी, सर बड़े से तरबूज जितना था, इसकी सियारों पेशानी से लेकर आधे सर तक वो गंजा था।
इसके बाद बाल थे जो पीछे से दराज होकर चुटिया की सूरत में झूल रहे थे। किसी बैल की तरह इसकी आंखों के ढेले बड़े उभरवा थे जिनसे वैश्य सी टपकती नजर आ रही थी। इसकी पेशानी पर कुश्का खींचा हुआ था, वो भी गेरवे रंग की धोती में था और ऊपरी बदन पर रहना था। चेहरे पर करखत की जैसे इसका खासा बनकर रह गई थी। नो उम्र दुशीजा जो शायद यहाँ कोई दासी थी इसकी तरफ इशारा करते हुए महापुजारी से कुछ बोली और इसने अपनी बैल जैसी मोटी गर्दन घुमाकर इनकी तरफ देखा तो चौंक पड़ा। इसके चेहरे से फौरन करखदगी खत्म हो गई और इसकी जगह एक खुशामदाना मुस्कुराहट ने ले ली, लेकिन फिर भी गौर से देखने पर लगता था कि कुछ ऐसा ही कि वो गालिबन बेवक्त आमद पर फिक्रमंद जरूर हो रहा था। स्वागतम स्वागतम, जय महाराजा की, जय छोटे राजकुमार की, काली माता के मंदिर पे धारिए, इसके चरण छूकर जीवन शांत करे। महापुजारी ने काली देवी की तरफ फीसा इशारा कर दिया। ऐश और सोनिना आगे बढ़े और चबूतरे पर चढ़कर काली देवी के कदमों पर झुक गए। रॉबर्ट हैरान परेशान खड़ा रहा। महापुजारी बद्रीनाथ अब इसकी तरफ कड़वी नजरों से देख रहा था। रॉबर्ट यही समझा कि शायद पुजारी ने बुरा मनाया है, लिहाजा वो भी जल्दी से आगे बढ़ा और संगे स्या के चबूतरे पर चढ़कर इसने काली देवी के कदम छू लिए। ऐश ने रॉबर्ट का तारुफ कराया, इसके बाद बोला, ये हमारे मुअज्जिज़ मेहमान है, मंदिर की सैर का शौक इन्हें यहाँ ले आया। मुझे कोई एतराज नहीं, महापुजारी बद्रीनाथ ने कहा, लेकिन बेहतर होता कि दो दिन बाद आप यहाँ आते और पिक्षण पूर्णिमा के जश्न से लुत्फंदोज होते। ऐश ने कुछ कहना चाहा तो रॉबर्ट बोल पड़ा, आप ठीक कह रहे हैं, हम दो रोज बाद आ जाएंगे, कहते हुए इसने ऐश से मुखातिब होकर कहा, मेरा ख्याल है इतना ही काफी है, अब चलना चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी दोस्त, ऐश ने कंधे उचका दिए। ये लोग पलटे और हाल कमरे की नकासी वाले दरवाजे के करीब पहुंचे ही थे कि किसी औरत की तेज और लर्जा खेज चीख सुनाई दी। मौजी सामीन हजरात, ये दिलचस्प दास्तान अभी जारी है, बकिया वाकयात अगली किस्त में। देखते रहिए नावलिस्तान, इस्लामी और तारीखी कहानियों का मरकज। अल्लाह हाफिज़।